अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो पैलेट रैक का जैक होता है, इसको किस तरह खोला जाता है और इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है। इसको ट्रक से रिमूव करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इसका ये जैक होता है, राड होता है। ठीक है, इसको काफ़ी दोस्तों को समझ नहीं आती कि इसको किस तरह खोला जाता है या इसकी जो सील्स होती हैं वो किस तरह चेंज की जाती हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मतलब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को इसका पता नहीं होता। इसका क्या तरीका है? सिंपली आप इसको मतलब न्यूट्रल करके, इधर से आप इसको न्यूट्रल कर दें, इसके ऊपर जो लीवर लगा होता है, न्यूट्रल करके आप इसको आराम से खींचे ऊपर और ये बाहर आ गया है। ठीक है, इस पर कोई भी किसी किस्म की सील नहीं लगी होती, जो सारा सील होता है, जो ऑरेंज होती हैं सील होती हैं वो इधर लगी होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फंक्शन होता है इसका, ये राड होता है, बिल्कुल ये राड बिल्कुल पॉलिश होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिससे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो सील्स होती हैं ये देखें, ये जो सील होती हैं इसकी इधर होती हैं, ये इसकी सील हो गई, एक इधर हो गई और एक नीचे हो गई। ठीक है, ये इसकी दो सील होती हैं, या आप इजीली इसको इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए, आप इसको मतलब स्क्रू ड्राइवर से या इसके स्पेशल जो टूल होता है सील निकालने के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये देखें, सिर्फ अगर ऑयल लीक हो रहा है और जैक काम ठीक कर रहा है तो आपकी ये सील ख़राब होगी। अगर सिर्फ ऑयल लीक हो रहा है तो, और पंप जो है वो काम ठीक कर रहा है, तो सिर्फ ये सील आप चेंज कर दें। ठीक है, और अगर पंप ठीक से काम नहीं कर रहा और या जब आप अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है लोड की वजह से, तो उसके नीचे एक सील होती है, ये देखें ये ओरिंग होती है, ये ओरिंग जो है इसकी, ये भी आप चेंज कर दें। दो ही सील्स होती हैं इसमें, कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं होता। ये ओरिंग्स हमारे पास पड़ी होती हैं, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, इतनी महंगी भी नहीं है, 2-3 रुपए की जो चीज़ होती है, 10-20 रुपए की मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, ये सील आप मैच करके वापस डाल दें, और ये भी सील इतनी महंगी नहीं होती इतनी, ये भी 20 से 25 या 30 रुपए की, या मैक्सिमम 50 रुपए की आपको मिलेगी। तो जी सील आप जब चेंज कर लें तो आप इजीली इसको वापस कर दें, और इधर से आप खोल के तेल डाल लें, तेल एडजस्ट कर लें, तेल इसका मैक्सिमम इधर तक होना चाहिए, जब इधर से तेल निकलना शुरू हो जाए तो आप तेल बस कर दें, इतना ही तेल डालना है। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे कर लें और डन, आपका जो जैक है वो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।